गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे सूरदास की जीवनी, और सूरदास ने जो कविताएं आप लोगों के बुक में लिखी हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। और इनका जन्म स्थान जो है, जन्म हुआ था कहाँ? दिल्ली के निकट सिही नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। निवास स्थान ब्रज क्षेत्र में गौघाट, वृंदावन एवं पारसोली गांव इसका इनका निवास स्थान है। निधन जो है 1583 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। अब देखिए, अब आते हैं इनके पिताजी जो थे वो रामदास थे पिताजी, और पिताजी कौन थे? रामदास थे। ये क्या थे? गायक थे। रामदास क्या थे? गायक थे। शिक्षा स्वाध्याय द्वारा ज्ञानार्जन, स्वाध्याय के द्वारा ही इनका ज्ञानार्जन हुआ था। काव्य रचना इनकी शिक्षाएं थी, और संगीत का ज्ञान का शिक्षा प्राप्त किए थे, और विशाल लोक ज्ञान, इस तरह के इन्होंने बहुत सारे शिक्षाएँ ज्ञान की। सूरदास का जो ये हुआ था, मतलब कि ये दोनों आँख से क्या थे? अंधे थे। और रुचि इनकी सबसे ज़्यादा जो थी वो कृष्ण भक्ति में थी। कृष्ण भक्ति में सबसे ज़्यादा रुचि थी। सत्संग, पर्यटन और वैराग्य में सबसे ज़्यादा इनकी रुचि थी। गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य, एक समय की बात है कि एक कथा में ये लिखी भी गई है कि जब सूरदास कहीं जा रहे थे तो कृष्ण की भक्ति में इतने लीन थे कि जाते जाते वो एक कुएं में गिर जाते हैं, और जैसे ही वो एक कुएं में गिरते हैं तो उन्होंने स्मरण करते हैं श्री कृष्ण को। तत्काल उसी समय श्री कृष्ण दर्शन देते हैं, और दर्शन देके उसे नेत्र देते हैं। पहली बार उन्होंने उस नेत्र को से सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को ही देखे थे, और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मांगो आज तुम मुझसे क्या वरदान मांगते हो। तो सूरदास कवि कहते हैं, हे भगवान, मुझे पहले की तरह बना दीजिए। मैं इस नेत्र से आपके सिवा किसी और को ना देखूं, इसलिए मुझे अंधा ही बना दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी आज्ञा को स्वीकार कर उसे पहले की तरह नेत्रहीन बना देते हैं। इसके बाद वो फिर रचनाकार रहे, बहुत सारे पद भी लिखें, कविताएं लिखें। और दीक्षा काल का जो समय रहा 1509 से 1510 रहा। रचनाएं जो है इनकी, सूर सागर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध जो है सूर सागर है, इसमें लगभग 225,000 पद लिखे गए हैं। और दूसरा सूर सारावली है, साहित्य लहरी है, नल दमयंती और ब्यालो, इस तरह के इन्होंने कविताएँ का वर्णन किए हैं। भाषा जो है ब्रज भाषा के कवि थे। आप लोगों को यदि एग्जाम में पूछ लिए जाए कि सूरदास कवि किस भाषा के कवि थे, तो ब्रज भाषा के कवि थे। विशेष तो ये जन्म से अंधे थे। स्वभाव से बहुत ही मृदुल और विनम्र, निर्भिमानी और भावुक भी थे। सूरदास हिंदी के मध्यकालीन सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति, देखिए यहाँ पे लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे कृष्ण भक्ति री का हो जाएगा, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। अब आते हैं हम लोग कि किस तरह से आप लोगों के जो पद हैं पद को समझते हैं, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए पद को हम लोग समझते हैं कि पद में सूरदास कवि क्या लिखे हैं, क्या वर्णन करना चाहते हैं सूरदास कवि इस पद में। इस पद में आप लोगों के बुक में जो है वो है जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, जिसका अर्थ है श्री कृष्ण को जगाने के लिए इन पंक्ति में बातें कही हुई है कि जागिए ब्रजराज कुंवर, जागिए श्री कृष्ण, कमल के फूल खिल चुके हैं, कुमुद वृंद संकुचित भय। कहते कुमुद के पुष्पों ने अपनी सारी पुंखड़ियों को समेट लिए हैं।
कुमुद वृंद संकुचित भय। कुमुद के पुष्पों ने अपनी सारी पुंखड़ियाँ समेट ली हैं। और यहाँ पे देखिए भंग लिखा हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा भृंग। क्या हो जाएगा? भृंग। भृंग लता भूले, भौरे लताओं में छिप गए हैं। तुम चूर खग रोर सुनहू बोलत बन रही। मुर्गे और छोटे छोटे पक्षियाँ सब बोलने लगे हैं। बोलत बन रही मतलब वन के राजा वन वृक्ष भी आवाज़ लगाने लगे हैं, वन में भी आवाज़ होने लगी हैं। राम भक्ति में यहाँ देखिए अनुस्वार होगा। राम भक्ति में यहाँ पे चंद्रबिंदु में अनुस्वार। राम भक्ति गौ खरिकानी में बछरा हित धाई। कहते गाय जो है गौशालाएं में बोल रही है, बछरा को दूध पिलाने के लिए वो दौड़ी दौड़ी आ रही है। धाई धाव पढ़े होंगे संस्कृत में आप लोग। विधु मलिन रवि प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश मलिन होते जा रहा है, ढलते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है। रवि प्रकाश और सूर्य के प्रकाश धीरे धीरे छा रहा है। गावत नर नारी भजन कीर्तन गा रहे हैं। सूर्य श्याम प्रातः उठो, कहते हैं सूर्य श्याम प्रातः उठो, हे श्याम सुबह हो गए हैं, उठो अंबुज कर धारी सुबह हो गए हैं श्याम, उठो देखिए सब लोग जग गए हैं, भजन कीर्तन में लग गए हैं श्याम, सवेरा हो गया है जगिए। तो इस पंक्ति में इस पद में क्या कहें कि श्री कृष्ण को जगाने के लिए क्या क्या उपमा दे रहे हैं, श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन कर रहे हैं इसमें। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पद है जीवंत श्याम नंद की कन्या, इसमें कहते हैं कछुक खात कछु धरनी गिरावत। छनी नहीं है यहाँ पे छबी लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? छबी लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान दीजिए इसको। छबी बहर्षि का है, हम इधर लिख दे रहे हैं। यहाँ पे जो है ये हो जाएगा छवि, छ लिखा हुआ है और बहर्षि का छवि। निरक्ती नंद रानियाँ कुछ खा रहे हैं और कुछ धरती पर गिरा रहे हैं, और उसी की छवि को नंद रानियाँ क्या कर रही है, बड़ी अति प्रसन्न मन से देख रही है, निहार रही है। बरी बरा बेसन भव भांतनी, बेसन से बनी हुई बरी बरा उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और विभिन्न व्यंजन विविध अंगानियाँ इस तरह के अनेक प्रकार के व्यंजन खाने में, अपने हाथों से खाने में उसको बड़ा ही आनंद आ रहा है। डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दधी दोनिया। कहते हैं कि चुकिया में जो दही रखा हुआ रहता है उसको उसे अपने हाथों से खाने में बड़ा ही आनंद आता है, बड़ा ही रुचि मानते हैं वो। इसमें लिखा हुआ है मिस्री, यहाँ लिखा गया है मिस्री, यहाँ पे हो जाएगा मिस्री, काट के कर दीजिएगा मिस्री हो जाएगा, यहाँ स्रो दे दीजिए स्रो, गलत हो जा रहा है, यहाँ आप लोग सही कर लीजिएगा। मिस्री दधी माखन मिश्रित करी, मिश्री दही माखन को मिश्रित कर मुख नावत छवि धानियाँ। उसके मुख को देखने में जो धन्य, उसके छवि को देखने में जो धन्य होते हैं
वो कहा नहीं जा सकता है कि उसकी छवि कितनी अच्छी लगती है। आपुन खात नंद मुख नावत, अपना भी खा रहे हैं और नंद को भी खिला रहे हैं। सो छवि कहत न बनिया, इस छवि को कोई नहीं कह सकते। ये छवि तो अति ही अवर्णनीय है, यानी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। यह छवि कितना अच्छा है और इस छवि को वो ही इसके बाद है नंद और जसोदा कर रहे हैं, उसकी प्रसन्नता जो हो रही है वो क्या है। सो नहीं तीहूँ भवानियाँ, वो तीनों लोक में दुर्लभ है। इस तरह की बातें कि जिस तरह से श्री कृष्ण खा रहे हैं, क्या गिरा रहे हैं, तीनों लोक में दुर्लभ है। भोजन करी नंद अचमन लिन्हो, भोजन करने के बाद जब नंद जी कुल्ला करते हैं, मांगत सूर जुठानियाँ, तो क्या करते हैं कि उनके जूठे भोजन को सूरदास मांगते हैं और कहते हैं उनका जूठा भोजन भी मिल जाए तो ये हमारी सौभाग्य की बात है। उम्मीद है ये आप लोगों को इतनी समझ में। अब कहने का अर्थ क्या है, कहने का तात्पर्य ये है, फर्स्ट पद में आप लोगों को ये कहा गया कि कृष्ण को उठाने के लिए बात कही गई है कि कृष्ण को किस तरह से उपमा दे के जगा रहे हैं कि जागिए, कुसुम के कमल के फूल खिले हैं, कुमुद के पुष्प ने पुंखड़ियाँ समेट लिए हैं, लताएं भौरे में लताएं छिप गए हैं, मुर्गे सब बोलने लगे हैं, गाय बछड़ों को दूध पिलाने के लिए दौड़ी आ रही है। इस तरह की बातें कह कह के उसको जगाने की बात इसमें कही जा रही है। कृष्ण जी सोए हुए हैं, उसे जगाने के लिए सूरदास ने इतनी सारी उपमाएँ देते हैं। सेकेंड में उनको खिलाने के लिए क्या क्या चीज़ है, उन सारे चीज़ का वर्णन किया गया है। किस तरह से श्री कृष्ण जी खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं और कुछ धरती पे गिरा रहे हैं, इसी छवि को सारे दुनिया आज भी देख रहे हैं। और यही छवि अवर्णनीय है, यानी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। किस तरह बेसन भरी अनेक प्रकार के विभिन्न भोजन कर रहे हैं, उनको माखन मिश्री सब कितना पसंद है, इन्हीं छवि का वर्णन इस प्रस्तुत पद में किए गए हैं। अब आते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। अच्छा, बात यह है कि ये दोनों जो पद लिखे गए हैं, ये दोनों सूरदास द्वारा लिखे हुए प्रेम और भक्ति के मर्म स्पर्शी को प्रभावित करने के लिए, यानी भक्ति में डूब जाने की बातें इसमें कही हैं। और सूरदास जी स्वयं कृष्ण की भक्ति में इतने खोए खोए रहते थे, उसे किसी का भी कोई पता नहीं चलता था। तो चलिए अब आते हैं कि आप लोगों को एग्ज़ाम में क्या क्या सा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए इनमें बात करते हैं। इनमें से एक क्वेश्चन दे देंगे कि सूरदास ने कौन से क्या लिखे हैं, तो क्या लिखे हैं पद। सूरदास का जन्म कब हुआ था, तो आप लोगों को बता दिए थे सूरदास का जन्म कब हुआ था, 1478 ईस्वी में। सूरदास की अभिरुचि किस में थी, पर्यटन में, गायन में, नृत्य में, लेखन में, किस में थी, सारे चीज़ आप लोग खुद से देंगे। किस में थे, पर्यटन में। इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को यदि कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। ये तो रहा ऑब्जेक्टिव। अब आते हैं सब्जेक्टिव पे कि किस तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोग से यदि पूछ ले सूरदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डाले, सबसे पहले तो ये लिखना है सूरदास किसकी भक्ति करते थे, श्री कृष्ण की भक्ति क्यों करते थे। और कभी ये भी पूछ लिए जाते हैं कि जागिए ब्रजराज, यहाँ ब्रजराज शब्द का क्या अर्थ है, ब्रजराज शब्द के लिए किसको संबोधन किया गया है। और कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ दें सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, ब्रज भाषा के ना। तो उम्मीद है कि ये सारी बातें आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोगों को कहीं किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप लोगों के प्रॉब्लम किस चीज़ में आ रही है। थैंक यू, बाय।